और इसमें क्या आया हुआ है देखते हैं। तो तुम कहाँ से आ गई? ठंड का हाल सामने नज़र आ रहा होगा, इतना ज़्यादा ठंड है कि हाथ जो है एकदम लाल पड़ गया है और खुल नहीं रहा है। ब्रेक दबाने में भी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे करने में भी ये जा ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ठंड है कि हाथ एकदम टाइट हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी ए ब्लॉगर। आज हम लोग जा रहे थे कानपुर लखनऊ से, क्योंकि हमें अपनी एप्रिलिया की सर्विस करानी थी और एप्रिलिया में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो फ्रंट वाला अलॉय व्हील है ये थोड़ा सा सही से नहीं रोटेट कर रहा है, इसका जो अलॉय व्हील है और ये जो इसका डिस्क दिया गया है ये जाम हो जा रहा है बार बार, तो इसकी दिक्कत आ रही है। और जो रियर वाला अलॉय व्हील है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सही से रोटेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप से हल्का सा जाम हो जा रहा है बार बार। और इसका जो माइलेज आ रहा है वो माइलेज आ रहा है 18 किलोमीटर पर लीटर का, तो 18 किलोमीटर एक स्कूटी के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये कुछ दिक्कतें आ रही हैं मुझे एप्रिलिया लेने के बाद में, और मुश्किल से अभी 2 महीना हुआ है और मेरी जो एप्रिलिया है वो केवल 700 किलोमीटर चली है। 700 किलोमीटर के बाद ये दिक्कत आने लगी मुझे। लखनऊ में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं था इसलिए कानपुर जाना पड़ेगा। एक सर्विस सेंटर है तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसकी सर्विस नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बेचना बंद कर दिया। पहले भी बेचते थे एप्रिलिया भी, लेकिन उन्होंने अब बोला है कि हम नहीं सर्विस कर सकते हैं, इसलिए लखनऊ से कानपुर हम लोग जा रहे हैं। अभी रास्ते में है हाईवे पे, कानपुर हाईवे जो गया लखनऊ से उन्नाव होते हुए, वहीं पे उन्नाव पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है यहाँ से। लेकिन दिक्कत तो आती है कि एक स्कूटी लेने के बाद में इतनी दूर सर्विस कराने जाना पड़ रहा है हमें। लखनऊ से कानपुर लगभग 80 किलोमीटर है और सिर्फ सर्विस कराने के लिए हमें कानपुर जाना पड़ रहा है, और वो भी ऐसी ठंडक में, तो बहुत ही समस्या हो रही है। लखनऊ वालों ने अगर सर्विस कर दी होती तो ऐसा ना होता। अब देखते हैं, उनके पास जाके हमारी बात हो चुकी है अभी, और उनका सर्विस सेंटर जो है वो खुल चुका है 10 बजे, और सर्विस वहाँ पे हो जाती है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठंडक तो है यार। आज तो कैमरा घूम ही नहीं रहा है, वैसे यूं करके घूम जाता था। अच्छा है लेकिन बढ़िया यार, पहली ऐसी अनोखी सर्विस होगी जो 100 किलोमीटर पे हो रही है, और वो भी कहे कि स्कूटी, तो बड़ी चीज़ें तो समझ में भी आता है स्कूटी की सर्विस। चलो ठंडक का मज़ा है। 3-4 दिन चल जाता होगा ये कल लगा था शाम को। अच्छा, अभी रात चलता है 6 बजे से। हाँ चल रहा है शाम को। अरे पीछे तो बहुत 3000 का लग रहा है। अच्छा, इससे मोटा मोटा तापने के लिए। हाँ तो चाय तो पी लिए, थोड़ी देर गर्मी भी आ गई, लेकिन अभी यहाँ से जैसे ही निकलेंगे 2-4 किलोमीटर फिर वही हाल हो जाएगा। लेकिन अभी धूप निकल रही है, अगर धूप निकल आएगी तो बढ़िया रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हाथ नहीं जाम होगा ठंडक की वजह से, तो आराम होगी गाड़ी चलाने में। चलते हैं अब। अभी हम लोग कानपुर आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर और बचा हुआ है जो सर्विस सेंटर है। ये 14 किलोमीटर का रूट हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, तो चलते हैं बाकी। Thank you.
मैं यहाँ से वापस जाना हूँ लखनऊ, और ये है हमारा रूट, ये सीधे लखनऊ गया है, ये हाईवे है। और कानपुर से पिछली बार जब आए थे तो सिटी से होके आए थे, लेकिन भीड़ भाड़ वाली गलियों से आए थे, लेकिन इस बार जा रहे हैं तो ये हाईवे खाली पड़ा, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो इधर से निकल जाएंगे। ऊटी में प्रॉब्लम आ रही थी, वो बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, लखनऊ में अगर करना चाहते तो वो कर देते, लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो इसलिए हमें कानपुर आना पड़ा। और लेकिन कानपुर आके एक फ़ायदा हो गया कि गाड़ी सही होगी, सर्विस होगी बढ़िया से, और हमारा नंबर प्लेट भी लग गया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में। और यहाँ से निकलते हैं अब, क्योंकि लखनऊ पहुँचते पहुँचते रात तो हो ही जाएगी, रात का मतलब 5 बजे ही आजकल शाम हो जाती है, तो ज़्यादा जल्दी निकलना होगा यहाँ से, अगर लेट करेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी तो है नहीं कि 7 बजे तक धूप निकलती रहती, लेकिन इस टाइम ठंडक है तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है। तो चलते हैं वापस हम लोग लखनऊ। और ये हमारा जो देसी जुगाड़ था वो काम आ रहा है बढ़िया से, टेप लगा दिया था कि हवा अंदर ना जाए। बैटरी केवल 8% बची है, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी आगे की। अभी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और लखनऊ बचा हुआ है, तो यहाँ से खाने के बाद में फिर आगे निकलते हैं, लेकिन ठंड भी बहुत तेज़ हो रही है, हाथ एकदम कहाँ पर है, गाड़ी चलाते हुए नहीं बन रहा है, ज़्यादा दूरी बची नहीं हुई है, बस अभी खा के निकलते हैं, तो रात होने से पहले पहुँच जाएंगे। हेलो, अभी मैं घर आ गया हूँ, और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि एक कंबल से काम नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे 3-3 कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है, एक ये हो गया और दूसरा और तीसरा, लगभग 1 घंटे से लेटे हुए हैं 3 कंबल लेके, तब जाके ठंड कम हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक लग गई रास्ते में, हाथ में ग्लव्स भी ले जाना भूल गए थे, ग्लव्स बिना पहने ही 200 किलोमीटर की राइड करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है इतनी ठंडक के सीज़न में। और शाम को आते आते मुझे लगभग 5:30 बज गया था यहाँ पे आते आते, और अभी काफ़ी देर से लेटे हुए हैं, और तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है बॉडी का जो टेम्परेचर है। और यहाँ पे आके हमने देखा है कि कल हमने एक ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से हेवेल्स का वाटर गीज़र, तो वो आ चुका है, और ये यहाँ पे सामने है हमारे, ये भी इसका पैक नहीं खुला है, इसको भी खोलेंगे, तो ये है हेवेल्स का वाटर गीज़र, तो ये 25 लीटर की कैपेसिटी के साथ में है, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 5-स्टार रेटिंग वाला है, तो ये बिजली की बचत करेगा, और इसको आप 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं, और 7 ईयर्स की इस पर वारंटी है, और ये टच स्क्रीन के साथ में आता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ये आखिर है कैसा। बहुत हैवी है यार ये, तो इसको निकालो, ये खुल गया है, इसकी पैकिंग से जो फैक्ट्री पाइप होते हैं वो साथ में ही आते हैं इसके दोनों, और ये इसका वायर हो गया, और ये इसका शॉक सेफ वाला प्लग होता है बहुत ही बढ़िया, वो साथ में है। खोलो भाई, खोलो इसको, खोलो खोलो, बड़े खुश हो गए हैं क्योंकि पहली बार नया सामान इनका खोलने को हमको मिल रहा है, नहीं तो अपना कोई हमको सामान खोलने नहीं देते, खाली पैकिंग खोलने में ही इतनी मजा आ रही है भाई इनको, वाह, नया कुछ आता है तो ये हमको खोलने नहीं देते हैं। और ये टोपा कब ले लिया? टोपा लेकर आए हैं। ये क्या है? ये बॉक्सिंग करने के लिए आया है, ये सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं जिससे कोई भी सामान आपका खराब ना हो। हाँ। ये सारे जो कुशन टाइप के बना के लगाए गए हैं, अरे लाओ लग जाएगा, लाओ लाओ लाओ, तो ये इसलिए दिया जाता है कि सेफ्टी के लिए कुशन होते हैं इससे, अच्छा। ये खराब ना हो, और ये नीचे इधर साइड में भी ये कुशन दिए गए हैं जिससे गीज़र को कोई डैमेज ना हो, तो ये सारा निकाल लिया हमने, एक इधर भी है, ये सारा कुशन होता है जो डैमेज ना करे। और ये हो गया मेन यूनिट जो हमारा गीज़र है, ये लग रहा है कि बड़ा हो गया है, हेवेल्स 5-स्टार वाटर गीज़र,
चलो ठीक है, अब इसके लिए फ़ोन करना पड़ेगा हैवेल्स के कस्टमर केयर पे, तो वो आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए। और ये सारे कुशंस का क्या करना है, अब देखो इसको, तो ये सारे जो कुशंस थे इसके जो आए थे साथ में सेफ्टी के लिए, तो और इसमें क्या आया हुआ है देखते हैं। तो तुम कहाँ से आ गई? डिब्बे में कहाँ से आ गई तुम? कहीं तुम छुप के जाना हो तो तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तो ये हो गया मजाक, और मजाक अब खत्म करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।